एक लंबे अरसे से हो रही उमस भरी गर्मी से नागपुर वासियों को गुरुवार को हुई बारिश ने राहत दी है। वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने नागपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। गुरुवार को हुई बारिश ने शहर वासियों को राहत दी है। बीते कुछ दिनों से शहर में बारिश कहीं गुम हो गई थी, लेकिन गुरुवार को हुई बारिश ने आम नागरिकों के साथ साथ हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। हालांकि इसी बीच भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 8 जुलाई को नागपुर जिले के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और आंधी की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जुलाई को एक दो जगहों पर आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है, जिसके चलते नागरिकों को विशेषकर किसानों और नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। गुरुवार की सुबह नागपुर शहर वासियों के लिए काफी राहत भरी खबर लेके आई है। उमस भरी गर्मी से जहां नागपुर वासी एक और परेशान थे, वहीं गुरुवार की सुबह जब बारिश की बूंदें नागपुर की जमीन पर पहुंची, उसी के साथ नागपुर वासियों के चेहरे पर एक राहत की सांस मिली है। जहां एक और नागपुर वासी गर्मी से परेशान थे, वहीं किसानों को भी डर था कि अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी खेती में बुवाई जो की है वो सफल नहीं होगी। पर जैसे ही बारिश की बूंदें गिरी, वहीं कहीं ना कहीं किसानों ने भी राहत की सांस ली। अब मेरे आजू बाजू देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बारिश हो रही है और सुबह से ही गुरुवार की सुबह से ही शहर में भारी मात्रा में बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग द्वारा संभावनाएं भी जताई जा रही है कि चंद्रपुर में अतिवृष्टि हो सकती है और नागपुर में भी भारी बारिश के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसी ही एक दो दिन बारिश चलती रही तो कहीं ना कहीं किसान और भी खुश होंगे और बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो भी कम होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।